बाणी का नेम नहीं त्यागना। जिम निस दिन कर काज सुधारे, त्यागो कबू न लागे प्यारे, तथा प्यार धरो गुरबाणी, पढ़ सुन की रुचमन ठानी। अगले बेनती ध्यान न सुनियो, धरियो अर्थ जो शब्द मझारा, जो शब्द च महाराज जी ने कहा है सानू कह, बार बार उर करो विचारा, उस शब्द नू वार वार विचारो, वार विर विचारो। किमें विचारो जी? अगली तो के क्या गुर कह करे हम कहां, ए विचार करो। दूजे नू सुनान दिता, चलो हुण साडा सुभाव जी सीधी गल, जिन्नी वी असीं कथावाच कहिंदे आ साडी तैयारी हुंदी वी कल नू संगत नू की सुनाना है। ऐसी जिंदगी निकल जाती है, दूजियां नू सुनांदी लंघ जाती है, अपना मनवा सुन नू तैयार ही नहीं हुंदा। सतगुरु कहिंदे जदों तू अब सहज पाठ करना अपने लिए कुछ कर। दास ने करज की भाई हीरा सिंह फरूकियां वाले, जिन्हां गुरमुखा उन्हां दा जीवन पढ़िया है, हर प्रचारक हर कीर्तनिया भाई साहब का जीवन जरूर पढ़े। निर्मोलक हीरा भाई साहब जदों कीर्तन करते सन, प्रोफेसर साहब सिंह की जीवनी उन्हें अपने बायोग्राफी च लिखे भी भाई साहब कीर्तन कर लगे, इकट्ठ बड़ा सी सिख एजुकेशन कॉन्फ्रेंस की गल है। प्रोफेसर साहब सिंह कहिंदे ने मेरे कोल दो नौजवान बैठे सन, वो मेरे सामने गालां कढ़न लग पए, मंगता आ गया, ये लफ्ज वरते जी उन्हें, बड़े अप शब्द वरते, आ गया। क्योंकि हर हर शख्सियत वास्ते सब का नज़रिया सत्कार योग कदी नहीं होंदा, ये गल चेते रखियो। इस संसार च जे असंखा गुप्त प्रगट रब नूं गाउंदे ने, असंखा भी सिद्ध करन ते लगे कोई ने, रब नां दी कोई हस्ती नहीं। जे असंखा बंदे परमात्मा दे नाम दी गल करदे ने, ते चेते रखो असंखा ओ भी ने जेड़े नाम शब्द नूं सुन के राजी ने, पर उहदी रची हुई खेड है। प्रोफेसर साहब कहिंदे ने, साहब सिंह कहिंदे ने, उन्हां ने इन्नी गंदी भद्दी शब्दावली वरती, कहिंदे मैं संगत च बैठा सां, कहिंदे जदों भाई साहब ने कीर्तन शुरू किया, इन्ना भिज के कीर्तन किया, उन्हें व्याख्या कर दिती इन्नी भिज के। प्रोफेसर साहब सिंह लिखते ने, मैं अपनी जिंदगी च पहली बार उत्थे संगत च अपुष्ट बात ते भाई सीधरी की गल देखी, जेडे गालां कढ़दे पए सन, रो रो के उन्हां दे कपड़े भिजे हुए सन। वह जो भाई साहब कीर्तन करते सन इकल्या बह के, फिर बेनती है, स्वाद ही बड़ा कि साई दे समय तो कहना उन्हें कथा वाले की विचारे की मजबूरी जो फस जाता, कीर्तन वाले तो एवं धक्के नहीं फसते, बोल के उन्हें बोलने की लोड़ ही नहीं, चुप करके नरोल कीर्तन करो। तो सच्ची गल है, जदों किसी का नाम ना बन जाता कीर्तन में, फिर वो लीडर बन के उपदेश देना शुरू कर दिता, फस जाता उत्थे। कीर्तनीए ते तां इन्नी कु बख्शिश विचों कुछ नहीं मिलाना पैना, कोई किताब दूजी पढ़न की लोड़ नहीं, सीधी गुरु नानक का शब्द, गुरु नानक दे सीने का शब्द अपनी रसना ते गा, तेनू की लोड़े खब्बे सजे भजन की, तेरा तो तन मन पवित्र हो जाएगा। कथा वाली की मजबूरी है, कई बार वो शब्दावली पकड़ च नहीं रही, कई बार वो तो शिलब शब्द वजे वरते जाते हैं, पर कभी कीर्तन गुरु के सामने बह के कल्या करके देखे, कदी कल्ले बेनती दे शब्द पढ़ के देखिए, ते इउं पढ़िए, हम तू बीज भयो नहीं कोई, तू मैं सुकंत नार हम सोई, तू पति ते मैं पत्नी, हुण तीजे ने विच इत्थे कित्थे आउणा। जदों कीर्तन करदे सन, मैनूं याद है रात नूं लै के साझ कीर्तन कर रहे ने, ते लंघ दे किरसान ने कहा सी, बाबा इत्थे किनूं सुणाना पिआ शब्द, पिंड च सुनाई जिथे चार छिलड़ मिलनगे, इत्थे किनू सुनाना है? कहिंदे ने मैं बड़ियां नू सुनाया कीर्तन, इत्थे कीर्तन दे दाते नू कीर्तन सुनाना है। अपने साई उहदी खोंद नू स्वीकारो गुरसिखो। अज दुख इस चीज दा, बाबे ने बाणी शुरू कीती सी है तो, पर सिख है शब्द नू भुल चुका है, ये भी शब्द थोड़ा जिहा गहरा समझ पएगी, जिन्हों जापने वो है। अज सिखां दा बहुत हिस्सा जिहड़ा कहिंदा असी आस्तकां पर खिमे करियो, अंदरों तकरीबन 90% नास्तक बने बैठे ने, उन्होंने खैर लफ्ज का भरोसा ही नहीं। बाबा जी ने कहा आद सच जुगाद सच है भी, अज भी वह सच है,
ते लंघन तो बाद भी सच है भी सच नानक होसी भी सच है। फिर बेनती करांगा सतगुरु कहते जो तू पाठ करें कीर्तन करें धरियो अर्थ जो शब्द मझारा बार बार उर करो बिचारा क्या गुर कहे करें हम कहां सनै सनै मन मोरो महा। किसे नूं ना गल कर घट्टो घट तेनूं तां तेरे पापां दा पता है ना। बड़े गुनाह ऐसे ने जिहड़े घरवाली तो बंदा छुपांदा है घरवाली घरवाले तो छुपांदी है न्याणे अपने अपने भैण भरावां मां बाप तो छुपांदे ने। पर गुरमुखो घट्टो घट जदों किते जिंदगी च एहसास आवे कि सचमुच मैं गलत रस्ते ते तुरिया ते अपने गुरु कोलों कदी कुछ ना लगे उतो जे लकावांगे भी तां वी नहीं लुकणा।